एमसीएन समाचार के तरफ से बाबा पे आए हुए हैं और यहाँ पर राणा एजेंसी के लोगों ने यहाँ पे यहाँ की आवाम को और यहाँ की पब्लिक को रोड पे चलने वाले लोगों को काफ़ी तकलीफ दे के रखी है। यहाँ की पब्लिक से आइए, जानते हैं क्या तकलीफ है। सर क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम है यहाँ पे जो मास्क के लिए रोक रहे सब लोगों को, तो कुछ गाड़ियों को रोक रहे हैं और किसी को नहीं रोक रहे, और बहुत से एसटी की गाड़ी आ रही है उनको तो बिल्कुल नहीं रोक रहे। अगर से कानून है सबके लिए बराबर होना चाहिए, और यहाँ पे एकदम बीच में आके रोक देते हैं, कई एक्सीडेंट होके बच रहे हैं। और अभी यहाँ पे इनसे बोल रहे तो बदतमीजी से बात कर रहे हैं वो लोग। तो कल यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, सामने एक गाड़ी रोक दे, पीछे से गाड़ी आ रही एकदम ब्रेक मार दिए। और ज़्यादातर गरीबों के लिए कानून है, बड़ों के लिए कानून नहीं है क्या? सबके से एक ये तो सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। कब से कर रही है ऐसा? ये तो 15-1 दिन और 15-20 दिन से चल रहा है। ये तो 2-3 महीने से चल रहा है, 15 दिन से ज़्यादा चल रहा है ये। सुबह 9 से यहाँ पे अभी कुछ ट्रैवल्स वालों को भी पहुँची दिए गए। हम यहाँ पे जो ऑफिस में बैठे कोई लोग चाय पीने के लिए मास्क उतार रहे, वो आके तो उनको पहुँची दे रहे मास्क नहीं है करके, तो ये तो तरीका सही नहीं है ना। तो आपने इसके बारे में म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को कंप्लेंट की है क्या? अब कंप्लेन तो नहीं की है, ये हमारी पार्किंग है यहाँ पे, हमारे लोग हैं तो हम देख रहे हैं ये चीज़ हो रही करके। तो हमारे ये वर्कर्स थे, उनसे बात कर रहे हैं लोगों से जाके, तो वो कुछ सुन रहे नहीं, बोल रहे हमारे पास लेटर है कमिश्नर का, हम जो चाहे करेंगे करके। आप उन्होंने आपको लेटर बताया है क्या कमिश्नर? नहीं, अभी तो हमने देखे नहीं, लेकिन वो बोल रहे हैं ऐसा है। क्या तकलीफ है सर? बस वही एक लेटर हेड लेकर वो हर किसी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, किसी के ऊपर भी अरे तुरे से बात कर रहे हैं, किसी को भी धमकी दे रहे हैं। वो बोल रहे कि काय करे सर तुम्हारा करून घ्या, आम्ही बघतोय, म्हणे तुम्ही तुम्हाला ही बघून घेतो, आम्ही तुमच्यावर कारवाई करते, उलट 353 दाखल करून घेतो, सरकारी कामात अडथळा करते म्हणून तुम्हाला दाखल करून घेतो म्हणे। आणि जे गरीब लोक आहे त्या गरीब लोकांना खूप जास्ती त्रास देऊ राहिले ते, जितने भी गरीब आहे और जो VIP पर्सन आहे उनके लिए तो कुछ नहीं, उन लोग को छोड़ दे रहे, उनसे पूछने के ऊपर अपने से अरे तुरे करते हैं। तकलीफ हमारे यहाँ से गाड़ा वाड़ा चलते, हमारे ऑफिस है, कोई सीट अगर यहाँ आती है तो सीट यहाँ आने से पहले वो रोक देते, आने वाले यहाँ आ नहीं पा रहे, हमारी रोजी रोटी चढ़ी नहीं। कि हमारे भाई को यहाँ पर हमारा ऑफिस होते हुए उन्होंने मास्क काट कर बैठे, तो बिना मास्क के हमारे ऑफिस में बैठ के हमें पहुँची दे दी उन्होंने। यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये जो जितने भी ट्रैवल्स है और जितने भी चाय वगैरह के होटल है यहाँ पर जो है, तो पूरे एकदम गरीब लोग आते हैं, तो वो उनका एक मकसद यही है कि सबसे पहले फर्स्ट ये तो उनको चाबी गाड़ी रोक के चाबी निकालने का उनको अधिकार नहीं है। एक उन्होंने ट्रैफिक पुलिस वाले के जैसा जो है तो अपने पास पावर समझ के जो है तो गाड़ी की चाबी निकाल रहे फर्स्ट, और उसके बाद में जो है तो गरीब आदमी जो दिख रहा तो उसको डायरेक्ट उन्हें पावती बना के दे रहे और 500 रुपये वहाँ पे, जब तक उन्हें फाइन भर रहा नहीं तब तक उसको चाबी नहीं दे रहे और उसको जाने नहीं दे रहे। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि अगर तुम यहाँ पे उसके लिए खड़े, अगर तुम फाइन देने के लिए खड़े तो यहाँ पर 10 अधिकारी है, तो एक गाड़ी अगर पकड़ रहा है अधिकारी तो 10 अधिकारी वो एक गाड़ी के पास जा रहे, जब तक 50 गाड़ी यहाँ से चल जा रही उनको कोई ध्यान नहीं रह रहा है। और उसके बाद में जो है तो वो VIP लोग, जितने भी VIP यहाँ से लोग जाते हैं तो आदमी देख के काम कर रहे हैं, अगर कोई भारी आदमी दिख रहा है उनको, कोई पॉलिटिशियन दिख रहा है या कोई पैसे वाला आदमी दिख रहा है तो उसको इजी ले रहे, उसको कुछ बोल रहे नहीं, या उनको कोई किसी ने टैट मारा तो एकदम उसको छोड़ दे रहे, इजी ले रहे, और गरीब जो है तो उसको एकदम उससे देख रहे हैं प्रेशर डाल रहे हैं। बात करो भैया, सबसे तकलीफ तो इतनी है साहब, मैं औरंगाबाद शहर म्यूनसिपालिटी कमिश्नर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा, क्या आपकी जो बुक है आपके लोगों के पास जो AMC के लोग हैं ये आर्मी के ड्रेस मिल रहे हैं, ठीक है, आर्मी के ड्रेस में लोग इनसे डरे थे। एक मैं जो भारत देश में जिसकी लोग रिस्पेक्ट करते पुलिस से पहले, बुरा मत बोलो पुलिस को नहीं, ज़्यादा रिस्पेक्ट आर्मी वाले की है, और ये इनको आर्मी की ड्रेस सबसे पहले बदलना चाहिए। मैंने एक बार राष्ट्रपति में भी कंप्लेन किया हो कि कॉरपोरेशन के लोग इनको आर्मी ड्रेस देना नहीं चाहिए, और उसके अलावा इनकी टाइमिंग क्या है? और क्या भैया मैं एक बात बोलूँगा आपको, क्या संडे कोरोना संडे को छुट्टी नहीं दी क्या? एक मेरा सवाल है औरंगाबाद की जनता से भी, कोरोना को संडे छुट्टी रहती क्या? और इनकी टाइमिंग क्या है? सुबह 6 बजे आ रहे हैं, इनके मन माफिक पहुँची दे रहे हैं, क्या कोरोना से भी इनके टाइमिंग में होता है, बाद में नहीं होता है? और रही बात आर्मी वाले, एक रूल्स एक नंबर रूल्स बोलते हैं, मैं आर्मी वालों को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, अरे इनके खुद के मैच देख लो, रुमाल लगा रहे हो कुछ कर रहे हो, और पौती इनके पास दो है, और पौती इनके पास कौन सी पौती दे रही है? हाँ इसमें कचरे की पौती दे रहे हैं, इसमें 500 रुपये मेंशन भी नहीं है, इसके बुक की ऑडिट है क्या? मैंने कंप्लेन डाला हूँ इसकी, इनके बुक के कोई ऑडिट भी नहीं है, ये पब्लिक को सिर्फ चूतिया बना रहे, चूतिया। हाँ सर जी, ये जो गाड़ी रोक रहे, कार रोक रहे, पर सिग्नल पे रोक देते बिंदास,
हाँ जब गाड़ी में सिंगल आदमी तो उसको मास्क की क्या जरूरत है, सार्वजनिक गाड़ी रहेंगी प्राइवेट में है ना, उसमें तो रुकना चाहिए ना, उतना तो छोड़ दे। आपको कब से तकलीफ है? रोजी सर ही है पूरे ये बाबा पे रोजी चलता है इनका ना। कब से तकलीफ दे रहे हैं राणा एजेंसी के लोग? एक 15 दिन से चालू है इनका सर। चलो थोड़ा आगे बैठे जाओ, ये यार रोज करते हैं सर, मेरा तो सामने ऑफिस है यहाँ पे, हाँ इसीलिए मैं रोज देखता हूँ इनका। मेको नहीं दिए पर पूरी गाड़ी सिग्नल पे ऐसा रुकेंगे कि पीछे से दो कार उसके आंख पे धड़क जाए, ऐसा है क्या? हाँ सिग्नल छू दिया। आज आपने देखा यहाँ पे काफी लोग नाराज है और राणा एजेंसी के लोग यहाँ पर पौती दे रहे हैं और यहाँ पे गरीब जनता को परेशान कर रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए MCN समाचार खान राफे मोहम्मद के साथ।